हेलो किड्स वेलकम टू माय चैनल सो आज जो मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो प्लेट्यूज के बारे में एक्सप्लेन करूँगी और ये जो टॉपिक है वो है हमारा जो चैप्टर है ट्रैवल एंड करेंसी का और इसमें ट्रैवल एंड करेंसी में मैंने प्लेन्स हिल्स एंड माउंटेंस इसको जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया हुआ है तो उसमें से आप देख सकते हैं और आज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो हिल्स एंड माउंटेन्स के आगे से एक्सप्लेन करूँगी प्लेट्यूज़ को ठीक है अब ये हम लोग कंप्लीट करेंगे तो चलिए लेट्स बिगिन प्लेट्यूज अब प्लेट्यूज plateaus क्या होते हैं प्लेट्यू इज़ एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड लोकेटेड हायर देन द लैंड अराउंड इट अब प्लेट्यूज क्या होते हैं ये भी फ्लैट लैंड होते हैं प्लेन्स भी जो होता है फ्लैट लैंड होता है प्लेट्यूज भी फ्लैट लैंड होता है लेकिन प्लेट्यूज जो होता है वो थोड़ा सा रेज्ड होता है ऊपर थोड़ा सा उठा रहता है तो उसे हम बोलेंगे प्लेट्यूज प्लेन से थोड़ा हाई पर होता है हायर देन द लैंड अराउंड इट इट लुक्स लाइक अ टेबल लैंड ये किसकी तरह दिखता है टेबल लैंड की तरह द स्टेट ऑफ झारखंड लाइज अ टॉप द छोटा नागपुर प्लेट्यू अब झारखंड कहाँ लाई कर रहा है छोटा Lies atop the Chota Nagpur plateau. The state is rich in mineral resources. एंड हैज़ ब्यूटिफुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नैशनल पार्कस तो इन जगहों में हमें क्या मिल रहा है झारखंड और छोटा नागपुर में क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर बहुत सारे हमको मिनरल रिसोर्स मिलते हैं बहुत सारी ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड नैशनल पार्कस भी हैं अब वहाँ की वहाँ का फूड क्या है राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द रीजन राइस होता है वहाँ का स्टेपल फूड जैसे कि प्लेन्स का स्टैपल फूड राइस एंड वीट हुआ isn't it? और प्लेट्यूज का स्टैपल फूड क्या है राइस हुआ और क्या क्या है संथली, कुरुक एंड हिंदी आर सम ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल हेयर और यहाँ की जो लैंग्वेज क्या क्या है संथली होती हैं कुरुक होती हैं और हिंदी होती हैं प्लेन्स की क्या लैंग्वेज थी हिंदी थी हिल्स एंड माउंटेन्स की लैंग्वेज क्या थी डू यू रिमेंबर क्या थी वहाँ की लैंग्वेजेस प्लेन्स की क्या थी पहाड़ी एंड हिंदी थी ठीक है और प्लाटियो की क्या लैंग्वेज हुई संथली गुरुक एंड हिंदी इनकी थ्री मेन लैंग्वेजेस होती हैं अब नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक पर आइलैंड्स आइलैंड्स क्या होते हैं एंड एंड आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड कंप्लीटली ऑन ऑल साइड्स बाय वाटर अब आईलैंड होता है पीस ऑफ लैंड होता है ये पीस ऑफ लैंड है और इसके चारों तरफ ही वाटर होता है ये पूरा वाटर होता है और वाटर के बीच में वो जो लैंड होता है उसे हम बोलते हैं आईलैंड द अंडमन एंड निकोबार आईलैंड इन इन द बे ऑफ बेंगाल तो वैसे ही एक आईलैंड का क्या नाम है अंडमन एंड निकोबार ये किस रिवर uh, उसमें हो पाए जाते हैं बे ऑफ बेंगाल के बीच में ये है हमारा अंडमन एंड निकोबार एंड द लक्षदीप आईलैंड इन द अरेबियन सी और जो लक्षदीप आईलैंड ये कहाँ पर है अरेबियन सी के बीच में तो दीज टू आर द मेन आईलैंडस इन इंडिया सो आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ आईलैंड इन इंडिया द क्लाइमेट इन एंड आईलैंड रीजन इज़ वेरी प्लेजेंट और यहाँ की जो क्लाइमट होती है वो बहुत ही प्लेजेंट होती प्लेजेंट मीन्स ना ही तो वहाँ पर टू हॉट होता है ना वहाँ पर टू कोल्ड होता है एकदम एक सी क्लाइमट होती है इट इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड थ्रू आउट द ईयर पूरे साल ना तो बहुत ठंडा होता है ना तो बहुत गर्म होता है दिस इज़ ड्यू टू द कूलिंग of ऑफ एंड द नियरनेस टू sea। ऐसा क्यों होता है क्योंकि ये सी के पास होते हैं फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अब ये अपने जीने के लिए क्यों कौन सा बिजनेस करते हैं फिशिंग करते हैं एंड फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ देअर डाइट फिशिंग का ये बिजनेस करते हैं और फिशिंग ही इनकी डाइट भी होती है जिनका जो मेन फूड होता है वो फिश होता है कोकोनेट एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर कुकिंग और ये जो खाना बनाने के लिए ये जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कोकोनेट यूज़ करेंगे या कोकोनेट ऑयल से ये खाना बनाते हैं ठीक है अब नेक्स्ट हम आते हैं प्लेस नियर द सी अब सी के पास कौन कौन सी प्लेसेस पाई जाती हैं तो प्लेसेज नियर द सी लाइक गोवा जनरली हैव वॉर्म एंड माइल्ड वेदर ऑल ईयर राउंड तो वहाँ पे जो प्लेस सी के पास है वो कौन सी प्लेस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे गोवा जिसकी क्लाइमेट क्या होती है वो है वहाँ का जो वेदर होता है वॉम होता है माइल्ड होता है पूरे ईयर द इवनिंग्स आर प्लेजेंट ड्यू टू द कूल सी ब्रीज दैट ग्लोज इन फ्रॉम द सी अब उनका जो इवनिंग्स कैसी होती बहुत ही प्लेजेंट होती कूल कूल सी होती है क्यों होती क्योंकि सी से कूल cool एयर आती है इसलिए ड्यूरिंग मानसून इट रेंस हेविली और मानसून जब आता है तो बारिश भी बहुत होती है देयर आर मैनी ब्यूटिफुल बीच चर्चेस एंड टेम्पल्स इन गोवा अब गोवा में क्या है बहुत ही ब्यूटिफुल बीच पाए जाएंगे चर्चेज होते हैं एंड टेम्पल्स होते हैं मीट एंड फिश आर आ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट अब ये डाइट में क्या खाते हैं मीट एंड फिश मोस्टली दे ईट मीट एंड फिश इन देयर डाइट सम ऑफ़ द फेवरेट डिशेस ऑफ द लोकल पीपल आर अब उनका फेवरेट डिशेस क्या होता है लेट्स सी चिकन जी गोवन प्रॉन करी एंड बेबिनका द पीपल ऑफ गोवा स्पीक कौनकनी अब इनकी लैंग्वेज क्या होती कोंकनी अपार्ट फ्राम इंग्लिश एंड हिंदी तो जो गोवा के लोग हैं वो इंग्लिश और हिंदी तो होती है लेकिन इसके अलावा और क्या लैंग्वेज में वो बोलते हैं कोंकनी इज इंटेड और ले अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर आते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट अब हम डेज़र्ट के बारे में पढ़ेंगे ठीक है हमने प्लेन्स पढ़ लिया हमने प्लेट्यूज पढ़ लिया हिल्स माउंटेंस पढ़ लिया आइलैंड्स पढ़ लिए अब हम क्या पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में द ग्रेट इंडियन डेजर्ट नोन एज डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन द एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ इंडिया अब जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो क्या है थार डेजर्ट इंडिया का ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या है थार थार डेजर्ट कहाँ पाया जाता है इंडिया में और ये किस जगह पर है ये वेस्ट साइड में इंडिया के वेस्ट में हमें थार डेजर्ट मिलेगा मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान इज लोकेटेड हियर बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो यहां पे लोकेटेड हैं इसके आसपास क्लाइमेट इन द डेजर्ट रीजन इज़ वेरी ड्राई और यहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है बहुत ही ड्राई होती है द डेजर्ट सैन गेट्स वेरी हॉट इन समर्स समर्स में क्या होता है डेजर्ट सेंड बहुत गर्म हो जाती है इवन इवनिंग्स आर प्लेजेंट एंड नाइट्स आर कोल्डर इवनिंग वो प्लेजेंट होती हैं नाइट्स कोल्डर होती हैं बट डे जो होता है वो गर्म होता है सम टाइम्स देर आर डेजर्ट्स टॉम्स कभी कभी वहाँ पे डेजर्ट्स टॉम्स भी आते हैं अच्छा अब आप हमें ये बताए इवनिंग एंड नाइट्स इतनी अच्छी क्यों होती है और डे हॉट क्यों होता है डी यू ना क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है अब सैंड जो होती है बहुत जल्दी गर्म भी, भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है तो दिन में क्या होता है जब सूरज एकदम टॉप पर होता है तो सैंड एकदम हॉट हो जाती है तो वहाँ की एरिया गर्म हो जाती है पर जैसे ही इवनिंग आती है सूरज ढल जाता है तो सैंड ठंडी हो जाती है और वहाँ की जो इवनिंग्स हैं और नाइट्स हैं वो अच्छी हो जाती हैं समटाइम्स देयर आर डेजर्ट टॉम्स अब वहाँ पे क्या होता है डेजर्ट स्टॉम्स भी आते हैं देयर इज़ हार्डली एनी रेन इवन इन द मानसून सीजन और वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है यहाँ तक कि मानसून आने पर भी बारिशें बहुत ही कम होती हैं एज अ रिजल्ट हार्डली एनी थिंग ग्रोज दियो और जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही कम चीज़ें ग्रो होती हैं वी ओनली सी अ फ्यू थॉर्नी कैक्टाई डेट पाम ट्रीज

दैट नीड वेरी लिटल वाटर और, और वहाँ पर कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं फार्मर्स जिनको कि पानी की कम जरूरत होती है अब ऐसी कौन सी क्रॉप्स है जिन्हें पानी की कम ज़रूरत होती है वो है ज्वार बाजरा ऑल सीड्स एंड पर्सेस सो ऑल दिस क्रॉप्स रिक्वायर लेस वाटर टू ग्रो विमेन ऑफ एंड फेज ड्रिंकिंग वाटर फ्राम लॉन्ग डिस्टेंसेस इन पोर्ट्स अब वहाँ पीने के लिए या कपड़े धोने के लिए या डेली रूटीन के लिए जो पानी का यूज़ होता है वो क्या हो है? वो जो विमेंस होती हैं वो दूर दूर जगहों पर जाकर के पोर्ट में पानी भर के लाती हैं रेन वाटर स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स कॉल कुंड्स अब जब रेन होता है तो उस वाटर को हम लोग स्टोर करते हैं कहाँ करते हैं बड़े बड़े टैंक्स बनाते हैं जिसे कि हम कुंड बोलते हैं तो वहाँ पे ये सारा रेन वाटर कलेक्ट करते हैं इन सम एरियाज़ वाटर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई कैनाल्स फॉर एग्रीकल्चर अब कुछ एरियाज में जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वहाँ पर वाटर आने के लिए कैनाल्स बनाते हैं ताकि उनके फील्ड में प्रॉपर वाटर आता रहे राजस्थान हैज़ मैनी स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स पैलेज एंड हवेलीज। अब राजस्थान में अगर आप लोग अगर कोई राजस्थान गया हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे ब्यूटिफुलोर्ट्स पैलेज हैं और बड़ी बड़ी हवेलीज बनी हुई हैं इट कितनी वो एट्रैक्टिव होते हैं वो सारी चीज़ें इजेंटिड सम ऑफ देम आर बींग यूज एज होटल्स एंड गेस्ट हाउस दीज डेज और कुछ जो हैं वो उसका यूज़ किस तरीके से किया गया है कुछ हवेलीज़ में या फोर्ट्स में वहाँ पर क्या बना दिए गए हैं उसको होटल्स बना दिए गए हैं किसी को गेस्ट हाउसेज बना दिए गए हैं कैमल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स और वहाँ का जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या होता है कैमल्स होता है दे आर देयर आर मैनी हिस्टोरिकल प्लेस टू विज़िट और वहाँ पर और राजस्थान में बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस भी हैं घूमने के लिए राजस्थानी फोक डांसेज म्यूज़िक एंड पपेट शोज़ आर क्वाइट पॉपुलर अब राजस्थानी फोक डांस हो गया पपेट शोज़ हो गया ये बहुत ही पॉपुलर होते हैं द ट्रेडिशनल राजस्थानी मील ऑफ जौहर एंड बाजरा रोटी सर्व विध वाइट बटर अब जो वहाँ का ट्रेडिशनल मील्स हैं ज्वार बाजरा क्योंकि ये मोस्टली ये वहाँ पर ज्हर बाजरा उगाए जाते हैं क्यों उगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है जिसलिए ज्वार एंड बाजरा उगाया जाता है तो इसके साथ वो क्या खाते हैं ज्वार बाजरा की रोटी के साथ ये क्या खाते हैं वाइट बटर गट्टे की सब्जी लाल मास दैट इज़ मीट इन रेड करी रेड चिली एंड गार्लिक चटनी आर द डेलीकेश ऑफ द रीजन जैसा ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे अगर हम जाएँगे तो हमको ये सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी ज्वार एंड बाजरा की रोटी के साथ इज इंटेड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे तो आज मैं बस इतना ही इस वीडियो में शेयर करूँगी और जो दूसरा टॉपिक है दैट इज़ ट्रेवलिंग फार ठीक है ये हम चैप्टर क्या चल रहे थे ट्रैवल एंड करेंसी तो ये हमारा इतना हाफ कंप्लीट हो गया है बाकी का जो टॉपिक है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर करवा लीजिएगा थैंक्स फॉर वा वॉचिंग माई वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल